नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं अगली खबर का। कल भारत बंद बुलाया था किसानों ने और किसान समर्थित दलों ने, साथ ही देश के विपक्षी पार्टियों ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देने के एवज में कल पूरे भारत को बंद किया गया था। हालांकि कुछ राज्यों में इसका मिला जुला असर देखने को मिला तो कुछ राज्यों में इसका गंभीर असर देखने को मिला और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा है। बिहार में इस दौरान लॉकडाउन के दौरान राजद के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उमड़ पड़े और बंद को जबरदस्ती कराना शुरू कर दिया। इस दौरान कई बार ऐसा देखने को मिला जब बंद के दौरान पूरे बिहार को समर्थकों ने अपने हाथों में ले लिया है और इसके साथ ही यात्रियों के साथ साथ उन रिश्तेदारों नातों शादी विवाह में जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ऐसा ही एक वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा जब बारात लेकर वापस अपने घर को जा रहा था इस दौरान वो इस बंद में बंद का भेद चढ़ गया, जिसके बाद से वो रास्ता खाली कर रखकर अपने घर पहुंचना चाहता था, जिसके बाद से राजद के समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया और इसी के साथ ड्राइवर्स और उनके रिश्तेदारों को डांट पिला दिया और उसके बाद से ये वीडियो अब इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। बंद तो करनी चाहिए लेकिन क्या ये तरीका सच है या सही है? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं, लेकिन पहले ये पूरा वीडियो देखिए। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। इसके साथ ही अब एक दूसरा वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो हमारे लिए मुस्तैद होता है, हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद होता है, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक महिला अधिकार, एक महिला जो किसी दल की नेत्री है, देखने से तो लगता है कि ये विपक्षी दलों की है और भारत बंद को सबसे ज्यादा समर्थन इन्होंने ही दे रखा है और ये पुलिस जीप पर आगे बैठी हुई है और पुलिस जीप पर बैठ करके ये कितना धाक जमा रही है आप वीडियो में देख कर अंदाजा लगाइए और सोचिए कि क्या इस महिला का व्यवहार सही है। भारत बंद के इस समर्थन के बाद से शाम को जो नतीजे आए उसमें ये आया कि गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से मिलने के लिए बुलाया। हालांकि ये भी बैठक बेनतीजा रही, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे लोकतांत्रिक तरीकों में विरोध करने का अपना अपना तरीका है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल किसी को रास नहीं आ रहा है और लोग सोशल मीडिया पर इस ऐसे वीडियो पर लगातार जमकर लताड़ लगा रहे हैं। ये पूरा वीडियो जरूर देखिए।
अच्छा देश के अंदाजा के साथ क्या आप लोग नहीं है क्या? हम कहाँ से खाओगे जब किसान बंदा नहीं पाएगा? अडानी अंबानी खिलाएंगे अब आके? आप अगर देश के अंदाजा के लिए आपने कानून बनाया है अगर नहीं मंजूर है तो ये कानून वापस होना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आ रही है प्रधानमंत्री। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.